हेलो दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। और आज का वोटा मतलब शुरू करता हूँ, देखते हैं राम राम जी। कगन देखिए, आज घर रोक्सी को भी लाया है। रोक्सी बैठी है पंखे की हवा में, और छत पर चलता हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देख सकते हैं अभी जो है बादल बरसने वाले हैं। बरसने तो बहुत दिन होते थे, काफ़ी दिन हो गए बरस तो लेकिन बरस नहीं रहे। आज देखेंगे हम बरसेगा नहीं बरसेगा। बोला भंडारी सावन भी लगने वाला है। ये शाम के टाइम कल पानी भरा था, देख सकते हैं आप। इधर भी है, उधर भी है, उधर पानी पी लिया है। ये हो गया। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप कितना मौसम है, कितना सुहाना। देखिए बादल, आज सुबह से बादल है और मुझे लगता है उधर धूप निकल रही जाए। ये हमारे गांव का टावर हो गया, टावर ये गांव के बीच में है। और यहाँ से आप बुढ़ाना मील भी चमकता है जहाँ पे मैंने अप्रेंटिस किया है। ये देखिए वो चिमनी चमक रही है सामने ही। वो मुझे देखिए घर पर झाड़ू लगा रही है। खाना बना लिया? खाना बना लिया? क्या बना आज खाने में? आलू बैंगन बने। आज खाने बनाए हैं आलू बैंगन, देखते हैं कहाँ रखे आलू बैंगन। ये रे रसीले रसीले, ये रे रसीले बैंगन, परी वाले बैंगन अच्छे बन रहे। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं सुबह के बजे है 7 और मैं हो चुकी हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। और ये मेरे भैया B4 भैया, ये मेरे साथ भी रेडी हो गए हैं। भैया रेडी हो जाओ स्कूल में छोड़ कर आने के लिए। स्कूल में छोड़ कर आने के लिए? नहीं, गाड़ी तक छोड़ कर आने के लिए, स्कूल की गाड़ी तक छोड़ कर आने के लिए रेडी हो जाओ। चाय पानी? भैया आप भी क्या बात कर दिया आपने, चाय पानी दीदी बना लग रही, जाओ ले लो। तो लंच रख लिया है। भैया जल्दी रेडी हो जाओ, गाड़ी आने वाली है। ठीक है चलो चलो। स्कूल के लिए रेडी है आरुष, और उसको छोड़ने के लिए आया हूँ। चिंकी और गुड्डू जा चुकी है आरुष। अरे मेरी गाड़ी बहुत देर में है। हाँ बहुत देर में है, उसकी गाड़ी 8 बजे आती है और चिंकी और गुड्डू 7 बजे आ जाती है। साढ़े सात दोस्तों देखिए मैं घर आ चुका हूँ और अंकित का नाश्ता पानी लेके आया हूँ। देखिए इसमें नाश्ता है इसका चाय के साथ। तो अभी तक तो देखिए ये आराम कर रहा है, सो रहा है, अभी उठाना है इसको और फिर देखते हैं क्या करना है आज। वैसे पापा जी गए डूला खोलना, जिन्ने वाला डूला खोल कर देखा आज। चलो आज देखिए खोले बिम। ये देखिए जी ये खोल दिया आपका डूला जो मेरी भाई है, थोड़ा पड़ा बिम वाला डोला खोल दिया था। अब्बा जी ने देखिए प्लेट रह गई, वैसे टुक्के निकल चुके हैं, पत्ती निकल चुकी है, प्लेट निकल। बिम खोल दिया, देखिए बिम की जो है मैंने सपोर्ट दे रखी थी वो खोल दिया है। देखिए अब दूसरा वाला बिम खोलना है, मतलब कि इसका पैड। ये देखिए दूसरे बिम का डोला खोला है, जो ये वाला डोला, इस वाले बिम का डोला खोल रहे हैं। अब आ गया जिन्ने वाले डोले का नंबर। तो ये देखिए गाटर यहाँ से निकाल दिया है और फट्टे निकाल लिया है फिलहाल। तो वो गाटर जो निकालनी बारी हो रही थी और थोड़ा रिक्स भी था उसमें, तो गाटर हमने वाले निकाल दिया है। सीढ़ी दो लगा रखी है, देखिए प्लेट 10 बज गए हैं जी और 9 डोले, 3 डोले खोल दिया है। एक इस वाले बिम का और एक अंदर वाले बिम का और एक जिन्ने का डोला हमने खोल दिया है, इस वाले जिन्ने का जो सबसे पहले डोला था ये,
और अब ये रह गया, ये कल खोल लेंगे, ओ जे वाला भी कल ही खोल देंगे शादी। तो दो सीढ़ी लगा रखी थी हमने, एक यारी एक पड़ोसी लाए थे, एक गेरमा से लाए थे। और अब मुझे चलना है हाथ धोकर। हेलो दोस्तों, देखिए मैं नहा लिया हूँ, रेडी हो चुका हूँ नहा धोकर। और पूजा जी के यहाँ पर नाच साफ कर दिया है, नाच साफ कर धोया था, दो तीन दिन से हवा निकाल रहा है इसमें, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हल्की निकट रही है, बहुत ज़्यादा हल्की निकट रही है, मतलब देख सकते हैं आप, धूप तो है नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसे में हवा लग रही है, बस ऐसे में सूख रहा है। जो धूप होती है तो दो दिन की धूप होती है, लेकिन धूप नहीं निकल रही। और उधर आ जाए होम, तो उधर चलता हूँ। ये पीछे बोल है लो बाबा तो अश्रग्नि मुखम प्रज्वलित करिष्यामि नमो ओम शांतकारम ओमय दंताय विस्मय वक्तुंडाय देवमय तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा। ये गीत ओमय दंताय विस्मय वक्तुंडाय देवमय तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा ओमय दंताय विस्मय वक्तुंडाय देवमय तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा ओमय दंताय विस्मय वक्तुंडाय देवमय तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा ओमय दंताय विस्मय वक्तुंडाय देवमय तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा ओम सिनाय स्वाहा ओम सामनाय स्वाहा। बस भाई आज से घर में पूजा पाठ शुरू कर दियो, ये गाय को लगा दियो हैं, ये जल सूरज दे दियो बाकी, और घर में दिखे इससे ये जो है ना दो बड़ा इससे गंगा जल है, इसमें सारे मकान में छिंटा लगा दियो पत्थर है, ठीक है वहाँ बाहर लोग का, ठीक ले भैया छोटे से बेबी का पहली बार हाथ लगाया बंदा तो शुद्धिकरण होगा ना, मतलब शुद्ध नहीं हुआ था पसार है, पसार देते ना आई समय तो देते हैं आई दक्षिणा भी तो देने पड़े मुझे लगे। और मोदी खाई है वो देख खड़ा है इतने दिनों में भाई साहब, वैसे है तो बड़ा वाला दक्षिणा भी परे रह गई मेरे, कोई बात नहीं है, नहीं मिलेगी आज ही, उधार नहीं होगा, नगद काम होगा, पता नहीं चूड़ी थोड़ा ही है ये, जो हम कह रहे जहाँ कुछ ठीक है उल्टा सुलटा सब कर दिखा रहे थे भिगुनने में फंस गया था कूकर, बहुत मुश्किल था लिखड़ा। हाँ कौन सा कलाकार ने रखा है, पर दो जनों ने मिलकर जो है कार्ड दिया, पिताजी ने कटवा दिया वो। हाँ हम घुमाते थे पिताजी ने, जहाँ भी हल्का सा लगे हम कमाई का हो जाए बस आगे पीछे। दोस्तों देखिए शाम के 4 बज चुके हैं और मैं राजेंद्र बाबा जी जो है आज लंबे टूर पे है सहारनपुर, आज सहारनपुर जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, सहारनपुर क्या लेने जा रहे हैं, बिल्ली देने जा रहे हैं। अच्छा बिल्ली, छोटे भाई की बिल्ली देने ले जा रहे हैं, मतलब पहली बार जा रहा है आज बिल्ली देने घर पे, इसमें पानी। चलो जी चलते हैं पापा जी। अरे क्या हो गया, चल तू जूता ऊपर ना कर, जाम तो ये मैं रख दी, माँ जो है पानी की बोतल भर कर दे रही है। ओ सर चॉकलेट ला दिए भाई, और उसको पूजा एक का गिलास पानी का पिया दे, चिंकी चल ले हम यहाँ, सबका ध्यान रखना तुझे,
ठीक है। रोक्सी का तो नाम नहीं लेते कभी आप, रोक्सी का ध्यान रखिए। तो रोक्सी सबका ध्यान रखेगी तो ये रखना और सबका ध्यान, ठीक है। चाय पानी सबको टाइम पर दिए, वाह वाह। रोक्सी चले जल्दी आऊंगे। कहते सर हाँ जी। देखे जी साढ़ पर रह गया 33 किलोमीटर दूर, अम्बाला 145, देहरादून 101, ननौता इधर है, देवन इधर, वो साढ़ पर सामने ही सीधा। तो चलते हैं ननौता ही रहा है। हेलो दोस्तों, देखिए हम पहुंच चुके हैं ननौते से आगे, ननौता पीछे छोड़ दिया हमने, घर से हम आ चुके हैं 50 किलोमीटर दूर। अब जो हम फिलहाल है साढ़पुर और दिल्ली हाईवे पर हैं, उससे पहले हम नहर की पट्टी पट्टी दे रहे थे नहर की साइड में। अब हाईवे पर चढ़ चुके हैं, मैं राजेंद्र बाब भैया साथ में, वो जा रहे हैं सहारनपुर दिल्ली देने के लिए। सहारनपुर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर है यहाँ। तो चलते हैं, बस थोड़ा आराम किया अभी, 10 मिनट आराम किया है। तो यहाँ जो है बाग, बाग के पास खड़े थे यहाँ पर। तो चलते हैं अब यहाँ, अभी और 5:30 बज चुके हैं जी यार। यहाँ पर गांधी आश्रम के पास गांधी खादी, तो यहाँ भोले बाबा का मंदिर है, शिव मान मान के आती जय भोले बाबा। मेले लेके जा रहे हैं तो लड्डू ले रहे हैं, यहाँ से लड्डू चुन रहे हैं। चाचा जी पार खड़े हैं, और यहाँ बागेश्वर मंदिर ये देखिए सहारनपुर में, चाचा जी पानी पी रहे भी बाबा जी मतलब। और पहुंच चुके हैं सहारनपुर, कम लोग में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर मौसी रहती है, ये भी सचिव है, ग्राम विकास अधिकारी है, नहीं ग्राम पंचायत अधिकारी है, तो यहीं पर क्वार्टर मिला हुआ है उन्हें, यहीं पर रहती है। और आधी परी भी 1-1.5 महीने की छुट्टी यहीं पर काट के गए हैं दोनों के दोनों। ये आ गया जी नाश्ता, नाश्ते में काजू बादाम नमकीन बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक माजा। बाबा जी बैठे हैं, और बर्फी भी आ गई, कर लीजिए आप भी नाश्ता। हेलो दोस्तों, देखें कल थी 13 जून, और कल 13 जून को मुस्कान जी का जन्मदिन था, उनको जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वो लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी।